हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्ट कंट्रोल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग कुछ रीट के बारे में जानेंगे जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 32(2) के द्वारा रीट जारी जो किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन कौन से हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जो है आदेश जो है अनुच्छेद 32(2) के द्वारा जो है जारी करते हैं, जो 5 तरह के हैं, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के कारणों पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। यह लोक अधिकारी और निजी दोनों व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है परमादेश, मैंडमस। यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी जो भी सरकारी व्यक्ति हो को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है। उस कार्य को करने से वो इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये लागू नहीं होता है, या दो व्यक्तियों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ हो तो उनके बीच में लागू नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर कार्य करने से रोकता है, ठीक है। अगर कोई मामला अगर उस न्यायालय या अर्धन्यायिक संस्था के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको कहता है कि आपको इस पर जो है कार्य नहीं करना है, चूंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद है उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे क्या करें, वरिष्ठ जो न्यायालय है उसके पास भेजें, ठीक है। उसके बाद है प्रतिषेध और इसको छोड़ दीजिए। चलिए, अब आए अधिकार पृच्छ क्या है, क्योरो वारंटो। यह होता क्या है, इसका अर्थ है आपका आपका प्राधिकार है होता है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख होते हैं। प्रथम है लोकहितवादी, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। दूसरा है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, अधिकार पृच्छ लेख में क्या है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे करने का वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस मामले में जो है न्यायालय जो है उस आदमी से उस व्यक्ति से पूछता है कि आपके यह जो काम है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, और आपको यह काम नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो कहता है कि रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हैं। पहला है, प्रथम है लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। लोकहितवाद या जनहितवाद याचिका क्या है, PIL, एक ऐसी याचिका जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी केवल प्रभावित व्यक्ति के द्वारा ही पहले जो है न्याय पाने के लिए अपील किया जाता था को बदल दिया गया। इसमें क्या हुआ हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है उस पीड़ित के लिए PIL दायर कर सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है ना खुद सोशल मीडिया साइट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो है न्यायालय भी इसको लेकर अपना संज्ञान ले सकता है, ठीक है। दूसरा है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण करने लगे, जब न्यायपालिका जो है अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में दखल देने लगे, तब जो है जुडिशियल एक्टिविज्म जो ये होता है, ठीक है। भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। जिसमें 5 तरह के जो है
रीट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं, जो बहुत ही VVI है, और सुप्रीम कोर्ट यह अनुच्छेद 32(2) के द्वारा जो है रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टियोरेरी, पांचवा है क्यूरो वारंटो, ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। थैंक यू।